दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। मेरा नाम है वासव और गाइस आपको याद होगा परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपनी प्लेस्टेशन 4 से किसी भी गेम का गेम प्ले रिकॉर्ड करके डाल सकते हो यूट्यूब पे या फिर कर सकते हो उसको एडिट। और आज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको ये सब झमेले में पड़ना ही नहीं है तो आप कैसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो यूट्यूब पे या फिर ट्विच पे। ट्विच एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक नया चैनल बनाने की सोच रहे हैं YouTube पे या फिर Twitch पे तो PlayStation 4 से आप ये काम कर सकते हो। और Xbox One का ट्यूटोरियल भी बहुत जल्दी आएगा गाइस। और यहाँ पे मैं एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि करोल बाग का व्लॉग शूट हो चुका है, तो सब्र रखिए, काफी अच्छा व्लॉग शूट हुआ है तो आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। और इसी के साथ शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी PlayStation 4 की स्क्रीन की तरफ। तो लेट्स गो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरी PlayStation 4 की स्क्रीन और अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे लाइव ब्रॉडकास्ट करना है। तो गाइस सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं सीधा शेयर बटन में और आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन्यू दिख जाएगा लेफ्ट में। मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर देता हूँ इस मेन्यू के हिसाब से। ओके, तो अब आप जाएंगे नीचे शेयरिंग एंड ब्रॉडकास्ट सेटिंग्स में। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस शेयर बटन के कंट्रोल टाइप को आप स्टैंडर्ड ही रहने दीजिए ताकि आपको सब कुछ आसानी से पता चल जाए। और उसके बाद आ जाते हैं ब्रॉडकास्ट सेटिंग्स में। ब्रॉडकास्ट सेटिंग्स में जाने के बाद एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन आता है तो उसको क्लिक करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इंक्लूड वीडियो फ्रॉम प्ले स्टेशन कैमरा इन ब्रॉडकास्ट सबसे पहला ऑप्शन है। अब गाइस अगर आप थोड़ा सा ऊपर नज़र दें तो ये लगा हुआ है मेरा प्ले स्टेशन कैमरा, जो ये है, जो डुअल कैमरा सेटअप आप देख रहे हैं ये एक ही प्लेस्टेशन कैमरा है और ये आप ले सकते हैं मार्केट से। अब इसका फ़ायदा क्या है गाइस, देखिए प्लेस्टेशन 4 के अंदर गेम प्ले जब आप रिकॉर्ड करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, उसके अंदर आप कैमरा की जो वीडियो है अपने लाइव गेम प्ले की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने कैमरे के साथ जो प्लेस्टेशन के साथ मिलता है। अब उसका रीज़न ये है क्योंकि सोनी ने अभी तक उस इस फीचर को अनलॉक नहीं करा है, शायद हो सकता है फ्यूचर में करे या ना भी करे। बट अगर आपको अपना फेस कैम दिखाना है अपनी रिकॉर्डिंग्स में तो अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन है कि आपको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसको फिर बाद में सिंक करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि आप जब लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे यूट्यूब या ट्विच पे तो आप अपने कैमरे को यूज़ कर सकते हैं, अपने फेस को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे अब आप जब इसको टिक कर लेंगे अगर आपके पास प्लेस्टेशन कैमरा है तो उसके बाद आइए कैमरा वीडियो सेटिंग्स पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आ रही है मेरी फ़ोटो इमेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने कैमरे के साथ हूँ। तो मैं अगर पोजीशन देखूँ तो आप पोजीशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी गेम प्ले आएगी पूरी, जहाँ पे PS का रिमोट बना रहा है और ये आपका फेस कैम आएगा ऐसे, और लोअर लेफ्ट और लोअर राइट आप अपने गेम के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं ताकि आपके जो ऑप्शंस हैं और जो बाकी चीज़ें हैं गेम की वो इंटरप्ट ना हो। और यहाँ पे आप इसके साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, आप लार्ज कर सकते हैं और स्मॉल कर सकते हैं ताकि आपके जो आपका फेस कैम है वो कितना रखना चाहते हैं आप उसके हिसाब से यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हैं साइज़ को। अब फ्लिप हॉरिजॉन्टली का मतलब ये हो गया कि आपका जो जो इमेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये मिरर इमेज हो जाएगा। तो अगर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टली को हटाता हूँ, मैं एक बार इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए अब देखिए आप फ्लिप हॉरिजॉन्टली को, ये चीज़ होती है फ्लिप हॉरिजॉन्टली से। अब यहाँ पे बैकग्राउंड ऑटो कटआउट, अब देखिए जो आपका फेस कैम का बैकग्राउंड है अब ऑटो कटआउट इसलिए है, देखिए जैसे ही मैं अपना फेस मूव कर रहा हूँ तो वहाँ पर वो ब्लैक हो जा रहा है, मतलब कि जो गेम प्ले होगा वहाँ पर वो दिखाई दे सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, नहीं तो आप सर्कुलर में कर सकते हैं और डू नॉट चेंज में स्क्वायर आ जाएगा जो नॉर्मल बना होता है, और उसके साथ क्रोमा की तब काम करता है जब आपके पीछे कोई ग्रीन स्क्रीन लगी हो, तो ये आप उससे भी कर सकते हैं। और कटआउट सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है। अब देखिए यहाँ पे डेप्थ आ रहा है, डेप्थ का मतलब ये है कि कितना आपकी जो इमेज यहाँ पे आ रही है उसकी डेप्थ की बात हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब अगर मैं डेप्थ को बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इमेज गायब हो गई है, और जितनी डेप्थ आप रखेंगे उसी के हिसाब से होगा। और एजेस आप जितनी कम रखेंगे, देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे जैसे मैं एजेस को बढ़ा रहा हूँ तो वो बड़ा होता जा रहा है और ये छोटा होता जा रहा है। अब इफ़ेक्ट्स,
अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट्स आते हैं। अब देखिए कॉमिक अगर मैं करूँगा तो आप मेरा फेस देख सकते हैं कि कैसे कॉमिक टाइप का हो गया है, पिक्सेलेटेड हो सकता है। अब ये देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। टॉय कैमरा तो काफ़ी अच्छा है और नन पे तो नॉर्मल आपको जो नॉर्मल इमेज है वो दिखाई देगी। अब ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी चीज़ है, ट्रांसपेरेंट अगर आप कर देंगे तो जो आपकी वीडियो गेम होगी वो आपकी इमेज के ऊपर ही दिखाई देगी, तो काफ़ी अच्छा ये एक इफेक्ट है जो आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट तो आपको पता ही है क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप जाएँ तो फाइन फेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि उसने डिटेक्ट कर लिया है बेसिकली प्रेसिजन कैमरे ने कि आपका फेस यहाँ पे है। ये सेट करने के बाद गाइस आपको आना है ऑडियो शेयरिंग सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे आपको करना है चेक इंक्लूड माइक्रोफोन ऑडियो इन ब्रॉडकास्ट अगर आप अपने कंट्रोलर के साथ यूज़ करते हैं कोई भी माइक्रोफोन या फिर कोई भी हेडसेट जिसमें माइक्रोफोन सपोर्टेड है। तो यहाँ पे मोस्टली आपके फ़ोन्स के जो हेडफोन्स होते हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन एक बारी चेक ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये है शेयर पार्टी ऑडियो। अगर आप पार्टी ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपनी वीडियो क्लिप्स में और ब्रॉडकास्ट में तो ये आप चेक कर सकते हैं, और मैं इसको मोस्टली अनचेक ही रहने देता हूँ। और उसके बाद डिस्प्ले मैसेज टू स्पेक्टेटर्स कमेंट्स। तो गाइज अगर आप ये चेक करेंगे तो जो आपका गेम प्ले का साइज़ होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपके YouTube या Twitch पे जो भी मैसेजेस आ रहे होंगे वो आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे चलेंगे। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसको चेक करते हैं और फिर जाते हैं वीडियो कैमरा सेटिंग्स पे तो आप देख सकते हैं ये एरिया जो है ये कवर हो गया है, तो आपका जो गेम प्ले है सिर्फ इतने हिस्से में आएगा, बाकी का हिस्सा आपके फेस कैम और कमेंट से भरा रहेगा। तो ये एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं, मैं इसको अनचेक ही रहने देता हूँ। और अगर आप इसको चेक करेंगे तो मैसेज टू स्पेक्टेटर्स में आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए, वो आप सब कुछ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। गाइज अगर आप ये वाला ऑप्शन चेक नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे कमेंट्स टू स्पीच कर सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो भी मैसेजेस आएंगे आपको वो आपको प्ले स्टेशन बोल के सुनाएगा, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सेट है या फिर जापनीज लैंग्वेज सेट है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। गाइज अब बताता हूँ मैं आपको कि आपको ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको पहले जाके YouTube या Twitch की एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एप्लीकेशंस में जाएंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे Twitch भी है और YouTube भी है, मैंने दोनों ही सिंक करी हुई हैं। अपना अकाउंट डालेंगे आप तो साइन इन कर लेंगे, उसके बाद आप किसी भी गेम में जाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन Fortnite का लेता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बस एक बारी क्लिक करना है शेयर ऑप्शन को जो आपके रिमोट पे है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट गेम प्ले का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपसे ऑप्शन मांगेगा। देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन अवेलेबल है, डेली मोशन पे कर सकते हो आप ब्रॉडकास्ट, यूट्यूब पे और ट्विच पे। तो आप मान लीजिए यूट्यूब पे करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप डालेंगे टाइटल, क्वालिटी। देखिए क्वालिटी आप काफ़ी तरह की सेलेक्ट कर सकते हैं, 60 FPS जो है हाईएस्ट है, और PS4 Pro में मेरे ख्याल से यहाँ पे अब 1080p का भी ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे 720p आप कर सकते हैं, 30 FPS, 720p स्टैंडर्ड लो और हाई, 360p स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे मैं मोस्टली 720p हाई में करता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन आती है और 30 FPS भी होता है, बाकी आप 60 FPS भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 360p के लिए आपको मिनिमम जो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए वो चाहिए 2 Mbps का, जिसमें आपका जो गेम प्ले है वो ब्रॉडकास्ट हो स्टेबली। उसके बाद 720p से लेकर ऊपर 720-60 FPS तक का मैं कहूँगा आपको चाहिए कम से कम 5 MB से 15 Mbps तक का कनेक्शन। 5 MB आपको चाहिए 720p लो के लिए, 720p हाई 60 FPS पे आपके इंटरनेट कनेक्शन को स्टेबल रहने के लिए चाहिए कम से कम 15 Mbps का स्पीड। तो यहाँ पे ये करने के बाद आप टैग्स डाल सकते हैं, टैग्स डालने के बाद आप इनवाइट भी भेज सकते हैं कुछ प्लेयर्स को, और उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो आपके चैनल पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। और आप यहाँ से जो ये शॉर्टकट्स हैं ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूड वीडियो फ्रॉम प्लेस्टेशन कैमरा इन ब्रॉडकास्ट और इंक्लूड माइक्रोफोन ऑडियो या फिर डिस्प्ले। अगर आप डिस्प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं इतना आपका गेम एरिया हो जाएगा पूरी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गेम एरिया आपको चाहिए, क्या वो ठीक है या नहीं है, या फिर आप सीधा किसी और डिवाइस पे कमेंट्स पढ़ सकते हैं साथ साथ, और आप इसको बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों सेम चीज़ आपको ट्विच के लिए भी करनी है, आप ट्विच पे जाइए
जैसे आप ट्विच पे क्लिक करेंगे तो सेम टाइटल क्वालिटी आप सिलेक्ट करिए, यहाँ पे टैग्स नहीं होते हैं, सेम ऑप्शंस हैं ट्विच के लिए भी और आप स्टार्ट कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग, और सेम ऑप्शंस हैं डेली मोशन के लिए भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए नीचे और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय बाय।